अगर आपके ही घर में कोई आपको हरा दे तो आप बौखलाएंगे, खिसियानी बिल्ली की तरह खम्बा नोचेंगे ही, या फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई ना कोई बयान तो देंगे ही। ऐसा ही कुछ हाल है इस वक्त आजम खान का। जी हाँ, रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने बड़ा उलटफेर करते हुए बड़ी जीत हासिल की है। वहीं आजम खान को उनकी गढ़ में धूल चटा दी है, मतलब उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और आजम खान के करीबी आसिम राजा को 42,192 वोटों से हराकर बड़ी जीत हासिल की। इस हार को आजम खान की हार माना जा रहा है, क्योंकि आजम खान आसिम राजा के लिए प्रचार कर रहे थे। वहीं रामपुर में मिली हार में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जीत को हार में बदला गया है। उन्होंने कहा कि इसे आप ना तो चुनाव कह सकते हैं और ना ही चुनावी नतीजे। लीजिए, आप खुद ही सुन लीजिए कि आखिरकार आजम खान क्या कह रहे हैं। जो चुनावी नतीजा है, जिस तरीके से तैयारी थी, चुनावी नतीजे कहा है, चुनाव था ही कहा। इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की, 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। जब आजम खान से हार की वजह पर सवाल पूछा गया तो इसका जवाब देने की जगह उन्होंने उल्टा ही सवाल कर दिया कि जरा आप बताएं। वहीं हार के बाद भी आसिम राजा ने आरोप लगाया कि रामपुर में चुनावों को हथिया लिया गया है, लोगों को चुनाव में मतदान तक नहीं करने दिया गया। जहां पर 900 वोट डाले जाने थे वहां मात्र 6 वोट ही पड़े। मुसलमानों का मोहल्ला है, जहां 2200 वोट डाले जाने थे वहां केवल 1 वोट डाला गया। लोग चुनाव के लिए इतने उदासीन नहीं थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। रामपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को 8,689 वोट से हराकर जीत हासिल की। वहीं आजमगढ़ सीट पर भी बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने आजम खान के करीबी आसिम राजा को 42,192 वोट से हराकर शिकस्त दी। दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद दिग्गज नेता आजम खान ने क्या प्रतिक्रिया दी, आप खुद ही देखें। क्या वजह बताएं? अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताना ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको? भाई आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं? भाई लोकतंत्र का स्तंभ आप हो या हम हैं कमजोर लोग? आप बताएंगे हमें? 23 तारीख को पोलिंग वाले दिन इस तरीके से प्रशासन ने किया तो वो भी आप ही बताइए। हमने तो सहा है, जो सहा है वो बताइए। आप हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? आप फिर क्या देख रहे हैं? आपकी ये चौथी आंख क्या देख रही है? जब आप ही को नहीं दिख रहा है तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं, हमें क्या दिखेगा? और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है।